यहाँ देख लो बीच खेत बाजार की मम्मी और यहाँ से कटिंग कर रहे। फाइनली मैं तो पहुँच चुका हूँ गाय के गौशाला और पापा जी गाय को अंदर डाल रहे हैं अभी, क्योंकि दिन में ना तेज़ धूप होती है इसलिए गाय को अभी अंदर डाल देते हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, और हो चुकी है एक नई ब्लॉग की शुरुआत इन खूबसूरत हसीन वादियों से। और चारों तरफ देख लो, अभी मैं हूँ जो कि चौलाई की खेती है उसके बीच में, इधर उधर से सारे चौलाई की खेती है और अभी मैं जा रहा हूँ अपने खेत में। मम्मी और दीदी तो पहले ही जा चुके हैं और मैंने भी जाना है वहाँ खेत में, क्योंकि आजकल आपको पता ही है पहाड़ों में फसल कटाई का सीज़न है, तो हम जा रहे हैं चौलाई की कटाई करने, तो चलते हैं। और ये रहा हमारा खेत, हमसे पहले मम्मी ने इतना काट दिया, यहाँ देख लो। हम दोनों अभी आए और यहाँ देख लो, ये पूरा कट कर दिया और ऐसा काटते देख लो चौलाई, चौलाई बोलो या रामदाना बोलो, कुछ भी या गढ़वाली में चूहा बोलो, और इतना ही बचा है देख लो। हम काफ़ी लेट आए यहाँ, देखो। विशेषकर चौलाई से इससे बनता है मिठाई, इससे लड्डू बनते हैं जो भगवान श्री राम गणेश जी को चढ़ाते हैं, वो वाले लड्डू बनते हैं इससे। और इससे रोटियां भी बनती है, वो कभी आपको बना के दिखाएंगे हम। फिलहाल थोड़ा बहुत बचा है उसको काटते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। पूरा कट हो चुका है, अब इतना ही बचा है। चल काट, काटो कार से काटते हैं चौलाई। यहाँ देख लो, ये देखो, अरे मम्मी जी और दीदी काट रहे हैं, इसके बाद मैं भी काटूंगा थोड़ा बहुत। और ये रहा हमारा खेत पूरी तरह से, ये रहा देख लो। और आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रखा है, ये पूरा देख लो। यहाँ देख लो बीच खेत बाजार की मम्मी और यहाँ से कटिंग कर रहे, और बगल पे दीदी जी, ये इतना सारा काटना है, अभी हो जाएगा, आधा घंटा भी नहीं लगेगा इतना काटने में। और इसके बाद यहाँ से इनको घर ले जाएंगे और उसके बाद बीज निकालेंगे इससे, हैं? पहाड़ों में चाहे लड़का हो या लड़की, सबको एक समान काम करना पड़ता है। और अभी फिलहाल वीडियो को करते हैं स्टॉप और सब काटते हैं हम, और फिर लास्ट में मिलेंगे आपसे। फाइनली चौलाई की कटिंग हो चुकी है समाप्त, और अब सारे ये काट के और दो तीन दिन तक इनको मतलब यहीं पे रखेंगे, क्योंकि ये मतलब अगर अभी से इनको घर ले जाएंगे ना, ये झड़ जाएंगे सारे, जो इसके अंदर जो बीज लगे हैं वो सारे झड़ जाएंगे, इसीलिए इनको दो तीन दिन तक यहीं पे रखते हैं, फिर मतलब घर ले जाएंगे और उसके बाद इनको इनके अंदर से बीज वगैरह निकाल के, और जो भी होता है कोई बेचते हैं, जैसे मतलब ज़्यादातर लोग एक्सचेंज करते हैं, जैसे इसकी जगह पर मार्केट में दे के उससे मतलब तेल वगैरह या चावल वगैरह ले लेते हैं। तो इतना सारा काट दिया आज पूरा, इतना इधर का मम्मी ने काटा था पहले और यहाँ का हमने, और अभी उसके बाद गाय के लिए घास भी तैयार हो रहा है, यहाँ देख लो इतने सारे घास के लिए ये, और अभी हम घर ले जाएंगे घास। यहाँ देख लो मम्मी और दीदी लगे हैं घास काटने में, मम्मी और दीदी काट रहे हैं घास, और इसके बाद तीन बोझा बनाएंगे घास का और यहाँ से ले जाएंगे हम घास घर गाय के लिए। नीचे पे देख लो, ये रहा रोड यहाँ से उधर, और गांव इसके पल्ली तरफ है इसके पीछे, हम इधर वाले पोर्शन में आ रखे आज, और यहाँ से ऊपर सारे लोगों के खेत हैं चौलाई के। मैं कब से एक चीज़ ढूंढने की कोशिश कर रहा लेकिन वो मिल ही नहीं रहा। एक्चुअल में मैं ढूंढ रहा हूँ मतलब जो ये चौलाई का एक राजा होता है इनके बीच में, एक पेड़ ऐसा होता मतलब बिल्कुल डिफरेंट, पूरे इन जो जितने भी पेड़ हैं इनमें से अलग ही होता है, एक डिफरेंट बिल्कुल,
तो उसे इंदिरा राजा कहते हैं, लेकिन मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मिल ही नहीं रहा। शायद मम्मी ने पहले ही काट दिया होगा, फिर भी कोशिश करता हूँ उसको ढूंढने की, क्या पता मिली है मुझे। अधिकांश लोगों को पता नहीं होगा ना चौलाई का भी एक राजा होता है, लेकिन आज उसको ढूंढ के रहूँगा मैं। बहुत देर ढूंढने के बाद मुझे फिर भी नहीं मिला, देखते हैं किसी दूसरे के खेत में मिलेगा तो वहाँ पर दिखाऊँगा आपको। हमारे खेत में तो मिला नहीं, मम्मी ने काट के पता नहीं बीच में किस पर रख दिया या पता नहीं लग रहा। फिर भी देखते हैं, नीचे पे एक खेत है उस पर देखते हैं, वहाँ मिल गया तो आपको दिखाएंगे। पुलिया फिलहाल दिन के बज चुके हैं 12 और हम ये बोझा वगैरह लगा के अब निकलते हैं घर की ओर। ये देख लो मम्मी बोझा बना रही है और एक बोझा उधर पे बन रहा है आगे पे, और ये मेरा दराती इसके अंदर जाएगा। फाइनली अब चलते हैं घर की ओर, और मम्मी जा रही है आगे से और दो बोझा जो घास है मैं और दीदी ले जा रहे हैं, और चलते हैं नीचे रोड पे, क्योंकि हम रोड पे। और ख़ास बात यहाँ पे कि मैं ला रखा हूँ बाइक, और बाइक में घास कैसे जाएगा आज देखते हैं। पैदल और मैं जाऊँगा बाइक से। चलो फाइनली मैं तो पहुँच चुका हूँ गाय के गौशाला, और पापा जी गाय को अंदर डाल रहे हैं अभी, क्योंकि दिन में ना तेज़ धूप होती है इसलिए गाय को अभी अंदर डाल देते हैं। और दीदी और पीछे आ रहे, मैं जल्दी इसलिए आया क्योंकि मैं आया बाइक से। और हाँ हाँ, हमारा गाय का बछड़ा ये छोटा वाला, और गाय अंदर जा चुकी है। यहाँ से सीधे घर की ओर, वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए टाटा बाय एंड सी यू।